समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके मुलायम सिंह यादव ने जिस अस्पताल में आखिरी सांस ली वो वही अस्पताल था जहां उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता ने दम तोड़ा था, गुरुग्राम का मेदांत अस्पताल। अब इसे उम्र का तकादा कहे या फिर प्यार की ताकत या सिर्फ एक इत्तेफाक, लेकिन अपनी पत्नी की मौत के करीब ठीक 3 महीने बाद मुलायम सिंह यादव चल बसे। उनकी तबीयत 2 साल से खराब चल रही थी, लेकिन पत्नी के चले जाने के बाद जब उनकी हाथ जोड़े भावुक होते हुए तस्वीर वायरल हुई, उसी वक्त ये पता चल गया था कि मुलायम अब अंदर से टूट चुके हैं। मुलायम और साधना की लव स्टोरी जितनी कॉन्ट्रोवर्शियल है उतनी ही इमोशनल भी। यूपी के पूर्व सीएम और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को सियासी दंगल का पहलवान कहा जाता था। उन्हें हमेशा सब इज्जत देते रहे, जो उनके निधन के बाद भी दिखा। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी ने मुलायम सिंह यादव से आखिरी भेंट की कोशिश की और श्रद्धांजलि भी दी। हालांकि एक ऐसा विवाद था जो मुलायम की जिंदगी में सबसे बड़ा दाग बनकर सामने आया था। हालांकि इसे मुलायम सिंह यादव ने दाग नहीं रहने दिया, बल्कि इसे जीवन भर के लिए अपने साथ जोड़ लिया था। दुनिया समाज की परवाह किए बगैर वो खुद से 20 साल छोटी साधना गुप्ता को दिल दे बैठे थे। 5 जुलाई 2022 को साधना को गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती कराया गया था। फेफड़े में इन्फेक्शन था और 9 जुलाई 2022 को साधना का निधन हो गया। उसके बाद से मुलायम की भी तबीयत और ज्यादा खराब रहने लगी। करीब 45 दिन से मुलायम उसी अस्पताल में भर्ती थे जहां साधना का निधन हुआ। हैरानी की बात यह भी है कि दोनों के बीच प्यार की शुरुआत भी एक अस्पताल से ही हुई थी। अखिलेश यादव की बायोग्राफी बदलाव की लहर को आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसमें राइटर ने मुलायम की लव स्टोरी का भी जिक्र किया है, जिसमें एक किस्सा उस वक्त का भी है जब मुलायम की माँ मूर्ति देवी अक्सर बीमार रहा करती थी। इसके कारण उन्हें अक्सर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता था। इस दौरान साधना गुप्ता थी जो मुलायम सिंह माँ का ख्याल रखती थी। इस बायोग्राफी में लिखा गया है कि कैसे जब एक बार सैफई मेडिकल कॉलेज में एक नर्स मूर्ति देवी को गलत इंजेक्शन लगाने जा रही थी, तब उसी वक्त साधना गुप्ता ने नर्स को इंजेक्शन लगाने से रोक दिया था और मूर्ति देवी की जान बच गई थी। तभी से मुलायम साधना से इम्प्रेस हो गए थे, यही से दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। कहा यह भी जाता है कि उस वक्त अखिलेश यादव स्कूल में थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों की मुलाकात इससे पहले भी कई बार हुई थी, क्योंकि साधना को राजनीति में इंटरेस्ट था और इसीलिए वो ऐसे कार्यक्रम में जाती रहती थी। कुछ जानकार मानते हैं कि दोनों की लव स्टोरी को सबसे अच्छे से जानने वाले तो अमर सिंह थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। साल 1982 से 1988 तक अमर सिंह इकलौते ऐसे शख्स थे जो जानते थे कि मुलायम को प्यार हो गया है। उन्होंने किसी से कहा नहीं, क्योंकि मुलायम के घर में उनकी पहली पत्नी मालती देवी और बेटे अखिलेश यादव मौजूद थे। साधना गुप्ता की भी मुलायम सिंह के साथ दूसरी शादी हुई थी। साधना गुप्ता की पहली शादी साल 1986 में फरुखाबाद के चंद्र प्रकाश गुप्ता के साथ हुई थी। शादी के एक साल बाद 7 जुलाई साल 1987 में उनके बेटे प्रतीक यादव का जन्म हुआ। हालांकि ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी और साधना गुप्ता चंद्र प्रकाश गुप्ता से अलग हो गई। साल 2003 में मुलायम सिंह की पहली पत्नी और अखिलेश यादव की मां मालती देवी का निधन हो गया था, जिसके बाद 23 मई 2003 को मुलायम सिंह ने साधना गुप्ता को अपनी दूसरी पत्नी का दर्जा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि साल 1994 में प्रतीक यादव के स्कूल फॉर्म पर पिता का नाम MS यादव और पते में मुलायम सिंह के ऑफिस का पता दिया रहता था। ये खुलासा तब हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट के वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी ने मुलायम सिंह के खिलाफ 2 जुलाई 2005 को हलफनामा दाखिल कर पूछा था कि 1979 में 79,000 रुपए की संपत्ति वाला समाजवादी करोड़ों का मालिक कैसे बन गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI से मुलायम की संपत्ति की जांच करने को कहा। कोर्ट के आदेश पर जांच एजेंसी ने अगले 2 साल यानी 2007 तक मुलायम सिंह की संपत्ति से जुड़े पुराने पन्ने खंगाले। उस रिपोर्ट के बाद से ही खुलासा हुआ कि मुलायम की दूसरी पत्नी का नाम साधना गुप्ता है। उस वक्त पता चला कि साल 2000 में प्रतीक के गार्जियन के तौर पर मुलायम का नाम दर्ज हुआ था। हालांकि 23 मई 2003 को मुलायम ने साधना को अपनी पत्नी का दर्जा दिया था। साधना मुलायम की जिंदगी में पूरी तौर पर आई 1988 में और 1989 में मुलायम यूपी के CM बन गए। तब से वो साधना को लकी मानने लगे। पूरे परिवार को ये बात पता थी, कहता कोई नहीं था। अब जब सब कुछ सामने आ ही रहा था, तब 2007 में मुलायम ने अपने खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया। फिर पूरी दुनिया के सामने सच सामने आ गया।
कईयों ने आलोचनाएं भी की, लेकिन उससे मुलायम सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी पहली पत्नी के निधन के बाद वो साधना को वो असली दर्जा देने वाले थे जिसकी वो हकदार थी। प्रतीक को अपना नाम दिया। साथ ही जब 2019 में उनसे सरकारी बंगला खाली करवाया गया तो वो अपने सबसे खास बेटे अखिलेश यादव को छोड़कर साधना के परिवार के साथ रहने लग गए। ये प्यार ही था कि आखिरी सांस तक वो साधना के साथ रहना चाहते थे। हालांकि साधना उनसे पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गई।